तो आज हम खेलने जा रहे कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो आपको पता होगा कि मैं रियर कार कलेक्शन कर रहा हूँ जिसमें निशान GTR और पोर्शे तक शामिल है। मतलब कि यार डॉज सारा चीज़ मैं यहाँ पर रेयर कार्स कलेक्शन करने वाला हूँ। ओके वेट 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 भाई, क्या कोई स्पोर्ट कार है? स्पोर्ट कार है भाई, एक और जोड़ लो। रेयर कार में एक और जोड़ लो भाई, स्पोर्ट कार है मेरे पास कार फॉर सेल में। अभी मेरे पास नहीं, लेकिन वो आ जाएगा मेरे पास। भाई साहब पैसा इतना ही है भाई, स्टार्टिंग में पता होगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि जो मैं इतनी महंगी महंगी कार खरीद सकूँ। तो यार देख सो तो 8RS ड्रिफ्ट कार है भाई साहब, ये भी एक रेयर कार है। और मतलब कि यार देख लो 1.5 लाख की बिक रही है, और 1.5 लाख की बीटिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, और 1,85,000 तक चला गया बेटा। ये तो मेरे पास आएगा, तू कितना भी कर ले भाई, कितना भी खींच के ले जा, 10 लाख भी ले जाएगा तो ले लूँगा, 20 लाख भी ले जाएगा तो ले जाऊँगा, कितना भी कर ले मैं ले जाऊँगा। ओके 2 लाख कितना हो गया, 2,48,000 हो चुका है, बढ़ाता रहूँगा, कितना भी कर ले, मैं सीधा 12,000 दे रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, ये कार मेरी हो चुकी है 8RX न्यू ड्रिफ्ट कार। भाई साहब इसकी टेक्सचर तो देखो यार, क्या ही लग रही है, मतलब कि इसकी टेक्सचर तो खतरनाक है भाई। इसको गाइस छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ मैं, मतलब कि यार इसको मैं कोई भी कलर नहीं कराने वाला हूँ, और कोई भी मॉडिफिकेशन इसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। मॉडिफिकेशन में इस गेम में ज़्यादा अपडेट नहीं है, वो मात्र आप एलॉय चेंज कर सकते हो और उसका व्हील चेंज कर सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मस्त है यार। तो जल्दी से इसे लगाते हैं और फिर चलते हैं कार मार्केट में और अपना काम। ये मेरा फ्रेम, और यहाँ पर देख सकते हो तो ये मेरा पोर्शे, और काफ़ी महंगा बिका था ये पोर्शे, जो कि 14 लाख की दिखी थी। और भाई साहब क्या है, चलती है पोर्शे, और ये लैम्बोर्गिनी तो कार मार्केट में मिलती है, और निशान GTR भाई साहब काफ़ी रेयर कार है। और ये डॉज वाइपर तो मेरे को 2-3 मिल चुका है, और एक तो मैं बेच भी दिया हूँ। और भाई साहब ये फ्रेम देखो एक बार, क्या ही लग रही है अपने शोरूम के बाहर, कितनी सुपर कार्स खड़ी है भाई। और एक और डॉज वाइपर मैं लगा दिया हूँ, और जल्दी से चलते डब्बा लेकर कार मार्केट में, क्योंकि आज कार मार्केट ओपन है भाई साहब। मतलब कि यार मेरे पास इतना जितनी अच्छी अच्छी कार है, लेकिन फिर भी यार मैं डब्बे में जा रहा हूँ। और सिगेट में तो बेकार कार है, थर्ड में देखते हैं कौन सी कार आ रहा है। ओके ये भी तो बेकार कार है, ब्लैक में काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि देख लो यार क्या इस सब महंगी गाड़ी। यार मज़े आ गया भाई, मर्सिडीज 300 LRS भाई साहब, कितनी बीडिंग प्राइस था इसका? ओके 7,57,53,00,000 भाई साहब। और इसको तो मैं लेने वाला हूँ, मेरे को डर लगने लगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 92,09,20,00,000 रुपीज़ है मात्र। और अभी और राइट मेरा हो चुका है भाई साहब, मेरे को डर लगा कि ज़्यादा पैसा नहीं हो जाए। और भाई साहब इस कार में क्या है जो इतनी महंगी है, मेरे को पता नहीं, शायद से विंटेज कार है ना इसलिए इतना महंगा है। भाई साहब क्या लुक लग रही है, मतलब कि राजा महाराजा जैसा यहाँ पर लुक लग रही है, जैसे पुराने जमाने में कार जैसा नहीं हुआ वैसा है। मतलब कि आप देख रहे हो यार कितनी महंगी कार है भाई साहब, 9 करोड़ का इस गेम का सबसे महंगा कार है ये मर्सिडीज 300 LRS, जो मेरे को स्टार्टिंग में मिल रहा था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था। जितने मेरे पास था पैसा, लगभग मेरे पास 4 करोड़ था, मतलब कि इतना था, लेकिन उसको मैं खरीद नहीं पाया था। तो भाई साहब आज खरीद पाया हूँ इसको, भाई काफ़ी खुश हूँ यार, इसको मैं खरीद लिया हूँ। यार कब से कोशिश कर रहा था इस कार को खरीदने का भाई साहब, मैंने 100 डेज चैलेंज भी किया था इसको, और देखते इसका कलर चेंज कर पाता हूँ कि नहीं। भाई साहब इसको मेरा डिफॉल्ट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देख रो दम सॉलिड लग रहा है ये कलर, और शायद से मैं इसको नहीं चेंज कर पाऊंगा, मेरे को पता है। ओके यार मैं इसको नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एलॉय में काफ़ी सारे ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज करें भाई, नहीं करते हैं। और यहाँ पर कलर इसका नहीं चेंज कर सकते, मेरे को पता था, क्योंकि यार देख के लग रहा है इसको कलर नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ इसका रिबन चेंज कर सकता हूँ, लाइनिंग चेंज कर सकता हूँ। और भाई साहब एक बार ये फ्रेम देखो यार, मतलब कि यार मज़ा आ गया यार, ये फ्रेम किसी को देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि एक पे एक सुपर कार से डॉज भाई पर, निशान GTR ड्रिफ्ट कार और से, और एक और डॉज भाई पर है गाइस यहाँ पर, आज नेक्स्ट डे हो चुका है, और एक और डॉज भाई पर। भाई साहब डॉज भाई पर तो गाइस रेट कम कर दिया भाई साहब इस समय, यार 2 दिन में अंदर मिल जाता है डॉज भाई पर, क्या बात है यार। यार मतलब कि ये मत सोचना कि यार ये लगातार मेरे को सुपर कार से मिलता है, नहीं यार मैं डे स्किप कर देता हूँ, और मैं लगातार आता रहता हूँ जब तक नहीं मिला तब तक मैं देखता रहता हूँ, और जैसे मिला तो यार मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो मतलब ये मत समझना कि है कुक है कुछ, तो यार डेली आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है गाइस। एक आस्ट तो ऑलराइट गाइस, मैं इसको लेकर आ चुका हूँ रिपेयर शॉप में, और यहाँ पर एक कलर करा देते अच्छा सा, तो मेरे को कौन सा कलर करा जाए, ब्लू करा देते, बहुत मस्त लग रहा है ब्लू, तो यार ब्लू करा देते यहाँ पर।
ओके तो ऑलराइट गाइस यहां पर देखो तो लुक काफी घटिया लग रहा है मेरे को ना, बेकार कर दी। लेकिन भाई साहब ये लुक देखो पहले यार, क्या ही लग रही मेरे शोरूम के आगे, मतलब यार एकदम सुपर कार्स की लाइन लगी हुई है। और मैंने लैम्बोर्गिनी को बेच दिया यार, बेकार लग रही है लैम्बोर्गिनी, मतलब कि यार ये इतना रेयर कार है सुपर कार्स में आकर काफी भद्दा लग रहा था, इसलिए मैं इसको बेच दिया। मतलब कि यार देख रहे हो यार, इसको भी हम लाइनिंग में लगा दे रहे। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली वीडियो में और भी रेयर कार आने वाला है, जो कि मेरे को पता है कौन सी।